हेलो दगड़ियो, फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले मेरा आपका नमस्कार है पहला। तो दगड़ियो, एक नई दिन की एक नई शुरुआत कर मैं हूँ उत्तराखंड के हसीन वारिस दानिश मेहता। तो दगड़ियो, आज के ब्लॉग में आपको पहाड़ी घाटों के बारे में बताऊंगा, पहाड़ी पंख घाटों के बारे में बताऊंगा कि पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों कैसे चक्कियाँ होती थी, जो पानी से चलते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि दोस्तों वो कैसे चलते थे पानी से और कैसे होते थे, उनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देर के चलते सीधे ब्लॉग पर। तो दगड़ियो, इस ब्लॉग में हम जानेंगे पहाड़ी चक्की के बारे में दोस्तों, ये कैसे चलता है और कैसा होता है और पानी से कैसे चलते हैं, इस चीज़ के बारे में दोस्तों इस ब्लॉग में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि दगड़ियो अभी आप ब्लॉग में देख रहे होंगे, आप दोस्तों इस टाइप से चलता है, इस टाइप से दोस्तों जैसा कि अभी आप देखते हैं पत्थर से दोस्तों, इस टाइप से जैसा कि ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। तो दगड़ियो, पुराने टाइम में दोस्तों इस चक्की से दोस्तों गेहूँ जौ और दोस्तों मडुए को पीसा जाता था, इसका दोस्तों आटा बनाया जाता था। जैसा कि दगड़ियो अभी आप ब्लॉग में देख रहे होंगे आप दोस्तों, इस यहाँ पर दोस्तों गेहूँ को पीसा जा रहा है और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो दोस्तों आटा बन रहा है नीचे से, इसको दोस्तों पहाड़ क्षेत्र में कई साल पहले से दोस्तों इस्तेमाल किया जा रहा है और दोस्तों अभी तो लगभग बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये पानी से चलता है, जैसा कि दगड़ियो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नदी के किनारे पाए जाते हैं दोस्तों, ये घट नदी के किनारे पाए जाते हैं, इनको पहाड़ी भाषा में घट बोलते हैं। और दगड़ियो अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन चलते हैं एक पानी से हैं दोस्तों, जैसे कि दगड़ियो आप ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दगड़ियो, इनको बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दोस्तों अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप। और दगड़ियो ये पहाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे कुछ समय पहले दोस्तों, इस टाइम पर दोस्तों इनका यूज़ बहुत कम हो रहा है, जैसा कि दगड़ियो अभी ब्लॉग में देख रहे होंगे आप दोस्तों। अभी तो दोस्तों बिजली से और तेल से चलने वाले चक्कियाँ आ चुकी है दोस्तों, तो लगभग दोस्तों ये अब सारी टूट चुकी हैं। और दगड़ियो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं लकड़ी का दोस्तों इस टाइप से बना के दोस्तों यहाँ से पानी नीचे को लगाया जाता था दोस्तों, ताकि पानी दोस्तों परिसर बने और दोस्तों इस टाइप से और परिसर बन के दोस्तों जो नीचे लकड़ी का बना होता है फरड़ी बोलते हैं इसको, और दोस्तों ये इस टाइप से पानी से घूमता है और दोस्तों इसके घूमने से दोस्तों ऊपर में जो पत्थर होता है दोस्तों वो घूमते हैं, फिर दोस्तों आटा गेहूँ का दोस्तों आटा बनता है, आटा पीसता है, जैसा कि दगड़ियो अभी आप ब्लॉग में देखा होगा। टाइम तो दोस्तों ये चक्कियाँ बहुत ही कम बची हुई है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों ये सारी समाप्त हो जाए दोस्तों, विलुप्त हो जाए, लेकिन दोस्तों इस टाइम इनका यूज़ बहुत ही कम हो रहा है दोस्तों, तेल और दोस्तों वो बिजली से चलने वाले चक्कियाँ आ चुके हैं इस टाइम। तो दगड़ियो, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने भी ये घर देखा होगा दोस्तों, अगर देखा है तो दोस्तों कमेंट में बताना कि कैसा है। और दोस्तों हो सकता है दोस्तों ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों, और हो सकता है दोस्तों आने वाली जनरेशन इन्हें देख ना पाए दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोगों को अब ये पता है दोस्तों कि कैसे होते थे और कैसे चलते थे, क्योंकि दोस्तों ये अभी के टाइम में दोस्तों लगभग सारे दोस्तों बंद पड़े हैं दोस्तों, बंजर हो चुके हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, और दोस्तों कई सारे ऐसे हैं कि जो जिनका यूज़ नहीं हो रहा दोस्तों। तो देखिए फिलहाल के लिए इतना ही।